आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी एजुकेशन स्पेंडिंग हुई है, मगर 14 और 23 ये दोनों की एक बेस लाइन की कैलकुलेशन आपके सामने करूंगा, जीडीपी की नेट 1% ग्रोथ, 1% हमने ज्यादा स्पेंडिंग किया है। जब 14 में हम लोग जिम्मेवारी में आए तब 3.5 समथिंग के हमारे स्पेंडिंग थे, आज नेट 4.67% जीडीपी की स्पेंडिंग है। उसके बाद में जिम्मेवारी के साथ कहते पर्याप्त तो नहीं है, बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनानी है, अच्छी कैंटीन बनानी है, रिसर्च लैब में और इक्विपमेंट रखनी है, स्कूली बच्चों के लिए और आधुनिक क्लासरूम बनानी है, फैसिलिटी और डेवलप करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतने कम संसाधनों में भी आज हम यहां पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले अभी जब हमारे आईआईटी दिल्ली की टाइप हुई यूएई के साथ, यूएई आज एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, रंगन महाराजी जी है या नहीं है? रंगन जी मेरे को बुलाए थे अपने इंस्टीट्यूट में, यूएई की कुछ बच्चे आए थे बूट कैंप में, उनकी देशों के लोगों ने तय किया कि हमें दिल्ली ले जाना है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, हमें दिल्ली आईआईटी कैसा है उसको दिखाने के लिए। और दिल्ली आईआईटी जब लेके आए, वो उनकी मंत्री भी आई थी, उस देश की उच्च शिक्षा मंत्री भी, स्कूल शिक्षा मंत्री भी आई थी, वो अपने बच्चों को समझा रही है कि देखो आप लोग कहां पहुंचे हो, आप लोग जहां ग्लोबल सीईओ बनते हैं उसी जगह पे आप पहुंच चुके हो, ये मेरे आईआईटियों की आज परिचय है। मित्रों, अगर ये इकोसिस्टम इतने अभाव के साथ, इतने सीमाओं के साथ पिछले 75 साल में उच्च शिक्षा में हम इतने ऊंचाई तक पहुंचे हैं, आज तो स्पेंडिंग बढ़ रही है, आज तो इनोवेटिव तरीके से हम, और इनोवेटिव तरीका क्या अगर किसी को समझना है तो आईसीएमसी सुधीर जैन जी को आप पूछ सकते हो, ऑनलाइन में उपलब्ध रहेंगे, वो आपको समझाएंगे कैसे मॉडल गवर्नेंस कैसे किया जाता है। मित्रों, में बड़े और आगे आप सब विद्वान हो, मैं आपको निवेदन करूंगा आपको गवर्नेंस के ऊपर जोर देना ही पड़ेगा, उसी के अंदर इनोवेशन होगा, उसी के अंदर एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। उस कल्चर को जब मैं कहता हूं कल्चर यानी क्या,